देश भर में जहां एक ओर लोग विजयादशमी के पर्व पर रावण का पुतला दहन करते हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में NSUI कार्यकर्ताओं ने रावण के पुतले पर केंद्र के नेताओं की तस्वीर लगा दी और पुतला दहन कर दिया। दरअसल NSUI ने केंद्र सरकार के बनाए गए नए किसान कानून और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। जिस तरह रावण के अंदर अहंकार आ गया था, उसी अहंकार के चलते उन्होंने माता सीता का हरण किया था, ठीक उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर अहंकार आ चुका है। उसी अहंकार को दिखाते हुए उन्होंने आज कोरोना काल में किसान विरोधी कानून को पास किया, जिसके खिलाफ पूरे देश भर के किसान रोड में आ चुके हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देश में प्याज की कीमतें उछाल मार रही है, 100 रुपये किलो में प्याज मिल रहा है जो 10 रुपये किलो में मिलता था। ये सीधी साफ तौर पर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए विरोधी कानून लाया है। आज हम कहते थे, पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे राम राज्य लाएंगे, कहाँ का राम राज्य? UP में जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहीं रात को 3 बजे एक बच्ची से बलात्कार करके उसे जलाया जा रहा है। इस सब के विरोध में आज हम NSUI रावण रूपी नरेंद्र मोदी और उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल का हम पुतला दहन कर रहे हैं। TCP 24 न्यूज के लिए स्नेहिल सराफ की रिपोर्ट।